अम्बाला कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर परी का चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है, तो वहीं सैकड़ों समर्थकों के साथ परविंदर परी डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, जिसमें परविंदर परी के साथ युवा महिलाएं और बुजुर्ग सभी शामिल हैं। गुरुवार को परविंदर परी ने कल रेहड़ी सहित कई जगहों पर जनसभाओं का संबोधित किया। इस मौके पर जहाँ उन्होंने सभी समर्थकों का धन्यवाद किया, तो वहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद किया। वहीं परविंदर परी ने कहा कि मेरे अंदर एक फौजी का खून है, एक किसानी खून है। उन्होंने कहा कि मेरे बुजुर्गों ने भी किसानी करी, मेरे दादाजी फौज में थे, तो मेरे अंदर किसानी खून भी है और फौजी खून भी है। उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा कि मैं आपके बीच हमेशा आपका बेटा, भाई और दोस्त बनकर ही रहूंगा, मैं लीडर बन के नहीं रहूंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ सरदार करम सिंह जी का, मैं धन्यवाद करूंगा सरदार जग्गी जी का, सरदार बहादुर सिंह जी का, सरदार जसबीर सिंह जी का, सरदार हरमेश सिंह जी का, सरदार सोहन सिंह जी का। मैं धन्यवाद करूंगा कुलदीप जी का, परमजोत सिंह पम्मी जी का। मैं धन्यवाद करूंगा नीलम शर्मा जी का। मैं धन्यवाद करूंगा सरपंच साहिब का, मनजीत सिंह ब्लॉक समिति चेयरमैन। मैं धन्यवाद करूंगा सरदार मनजीत सिंह जी का, पूर्व चेयरमैन ब्लॉक। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे साथ आए दो दो सरपंच साहिबान धनकोर से और बरनाला से। मैं धन्यवाद करूंगा श्री राहुल गांधी जी का। मैं धन्यवाद करूंगा बहन कुमारी शैलजा जी का, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को कांग्रेस के, छोटे से सिपाही को कांग्रेस के। आज आपके बीच में कांग्रेस की टिकट देके भेजा है, तो मेरा धन्यवाद करना बनता है हाई कमांड का। माता जी, मैं किसी लीडर का बच्चा नहीं हूँ, मैं किसी नेता का बच्चा नहीं हूँ, मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। एक फौजी खून है मेरे अंदर, एक किसानी खून है मेरे अंदर। मेरे बुजुर्गों ने भी किसानी करी, मेरे दादाजी फौज में थे, तो मेरे अंदर किसानी खून भी है और फौजी खून भी है। बचपन मेरा बहुत छोटे से एक मोहल्ले में गुजरा। कांग्रेस का सरकार बंदे सार आपको गैस सिलेंडर 500 रुपए का दवाएंगे, 300 यूनिट, पहली 300 यूनिट बिजली भी बिल्कुल फ्री देंगे आप लोग, कोई पैसा नहीं लगेगा उसका। पहली 300 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर 500 रुपए का, और मेरे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं यहाँ पे, पेंशन 3000 रुपए ले रहे हैं, पेंशन भी डबल करने जा रहे हैं, पेंशन देंगे 6000 रुपए। जो बैठी हैं सभी के खाते में हर महीने 2000 रुपए भी सीधे खाते में आएंगे। ये वादा करने पर ही आपके बीच में आया हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का संदेश लेके आपके बीच में आया, जिसकी सरकार बनने जा रही है, और जिनके मकान कच्चे हैं 3.5 लाख रुपए पक्का मकान बनाने में भी देंगे, जिन पे जिसके मकान नहीं है उनको 100-100 गज के प्लॉट भी देंगे, कि जो पहले भी हमने दिए हैं अपनी सरकार में। बंदे सार पहला काम, सबसे पहले बॉर्डर खिलावांगे, चल के आपके साथ जाऊंगा और बॉर्डर खिला के आऊंगा, चाहे अपनी सरकार क्यों ना हो, अपनी सरकार में भी क्यों ना मगर मुझे धरने बैठना पड़े, मैं आपके लिए बैठूंगा, कभी परवाह नहीं करूंगा जी। आपकी हर एक लड़ाई लड़ूंगा। और मेरे युवा साथियों, आपको भी एक बात बताना चाहूंगा, मैं ध्यान से सुनना, हमेशा क्या होता है जी, आप MLA बनो, मंत्री बनो, आपने सुना होगा कि भी नौकरियां कहाँ लग रही है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, यही सुना होगा आपने। पिछली सरकार में तो नौकरियां लगी नहीं, आपका हक नहीं भरने दूंगा। अगर रोहतक की नौकरी 20 लगेगी, सोनीपत की नौकरी 20 लगेगी, झज्जर में लगेगी या करनाल में लगेगी, उतनी ही नौकरी अम्बाला में लेके आऊंगा, पीछे नहीं रहने का। ये नहीं है कि वहां 20 आ गई या 2 आ गई, अपना हक लेके रहेंगे हम, अपना हक लेके रहेंगे। जो पिछले 30 वर्षों से हमारी कोई भाई कह दे कि मेरी सरकारी नौकरी लगी है, किसी की नहीं लगी। सरकारी स्कूल, आज सरकारी स्कूल में जाओ क्या हालात है, सरकारी स्कूल आज खस्ता हालात में है जी। सरकारी स्कूलों में भी हम
सबसे ज़्यादा काम अगर करेंगे तो सरकारी स्कूलों में भी काम करेंगे। मेरी बहन आ गई विनू अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका हर एक काम मैं बहुत ईमानदारी के साथ, मैंने पार्टी का काम भी किया और बहुत ईमानदारी के साथ आपका भी काम करूंगा। इसी आशा इसी विश्वास के साथ, समय काफ़ी हो गया आप सबका यहाँ पहुँचने पर, मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करूँगा। एक छोटा सा नारा भी लगाऊँगा आपसे, छोटा सा नारा भी लगाऊँगा। मैं बोलूँगा हाँ मैं हूँ, आपने दोनों हाथ खड़ा करके बोलना है कांग्रेस।